दोस्तों नमस्कार, हमारे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। देखिए हम लोग आज निकलने वाले हैं जयपुर, हम और हमारे भतीजे श्री सूरज हैं। कुछ नया करने की सोच को लेकर के हम लोग निकले हैं और वहाँ से हम आप सबके लिए वो चीज़ लाने वाले हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे कि हम लोग अगर जैविक खेती पर अच्छा प्रोडक्शन लें, सबसे बड़ा ध्येय हमारा ये है। तो वहाँ पे हमारे ताराचंद बैल जी गुरु जी हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में अपने किसानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। क्योंकि आज समस्या है कि अगर हम जहर मुक्त भारत बनाने के लिए अगर निकले हैं तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आप सबका सपोर्ट ज़रूर चाहिए हमें। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। नहीं पड़े गए राम पर पंद्रह दिन के बाद तुमको कही रहे गाड़ी से नमकीन चल रही है। दोस्तों ब्लॉग पे ऐसी वीडियो मैंने पहली बार डाली है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा, हम ऐसी वीडियो और कई डालेंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक TCBT प्रोग्राम जो था, हमारे किसानों के भाग्य को बदलने जैसा प्रोग्राम है। मतलब कम पैसा, कम लागत, केवल थोड़ी मेहनत ज़रूरी है, उसके बाद आप जो है बहुत अच्छा जो है काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, पैदावार आपकी दुगुना तक हो सकती है। सिर्फ आपको 1 से 2 साल की मेहनत की ज़रूरत है, बहुत अच्छा आप जो है इस पर पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब मेरा मकसद ये है वीडियो डालने का कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किनू अमरूद का बाग भी है, तो ये हमारे लेखराम जी यादव का है। कभी मौका मिलेगा तो चूंकि आज इन्हीं के यहाँ प्रोग्राम है इसलिए हम आगे कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना है कि आगे भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो इनकी वीडियोज़ में डालने आऊँगा। इनके काफ़ी सारे मतलब खेत हैं, काफ़ी जो है वीडियोज़ हैं मैं दिखाऊंगा आपको भी। गोभी भी इन्होंने लगाई है, मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने लगाया जो हमारा किसान भाई सोच भी नहीं सकता। तो वीडियो कैसी लगती है आप इसको ज़रूर लिखिएगा और कमेंट करिएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है, अच्छा है कि गलत है। तो चलो फिर मिलते हैं एक अगली अच्छी वीडियो के साथ, नमस्कार। दोस्तों हमें ताराचंद बैल जी के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हमारी पार्टी भी जो हम साथ में आए थे अब बहुत अच्छा लगा। आगे अगर आप कहेंगे तो इनकी वीडियो में आपके हम अभी आ चुके हैं एक ढाबे पे, बहुत गजब का ढाबा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम लोग चाय पीने बैठे हैं लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये हुक्का भी आपको दिखाई दे रहा है। ये राजस्थान की शान है, इसको हुक्का जो कहते हैं कि राजस्थान की शान है, लेकिन हम लोग भाई नहीं यूज़ करते हैं। हमारे प्रेम जी हैं, देखिए ये भी हमारे टीम में है और आपको मैं टीम से मिलाता हूँ, टीम मेंबर हमारे जो भी गए थे हम लोग ताराचंद बैल जी का अटेंड करने। देखिए आई कार्ड हमारा टंगा हुआ है, ये हमारे रविंदर सर, ये हैं आप देवरिया से, और वो देखिए हमारे पंडित जी मिश्रा जी हैं, ये सूरज जी हैं। सूरज इधर देखो यार, हाय भैया, भैया थोड़ा सा एक बार हाय। देखिए हमारे यहाँ गुरु जी हैं और बड़े भाई हैं, हम लोग देवरिया से चले हैं, सर भैया चले हैं, फिर हम सुल्तानपुर में उनके साथ हुए हैं और अभी से घूमते टहलते। कल रात का थोड़ा सा सीन था रिकॉर्डिंग लायक, लेकिन जो है वहाँ पे बारिश इतनी गजब की थी कि गाड़ी ऐसे स्लिप कर रही थी कि पूछो मत, लेकिन मज़ा आया। बहुत अच्छे इंसान थे दादाजी हमारे, हम लोगों को बड़ा, उनकी वीडियो हमने देसी खेती जुगाड़ पे डाली हुई है वहाँ पे जाकर के, आप देख सकते हैं। हम लोग चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय आ जाए, चाय पी के फिर चलते हैं रिंगिस। अभी रिंगिस में रुकेंगे, हमारे एक साढ़ू भाई हैं आनंद जी, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे दोनों, उनसे मिलते हैं फिर चलते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, देखो चाय पी रहे हैं, ये मेरी साली साहिबा हैं, इन्होंने बड़ी कल सेवा की हमारी, और ये हमारे साधु भाई देखिए साधु की तरह बैठे हुए हैं।
हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, फिर वहां से दर्शन करके हम लोग आगे निकलेंगे। और बहरहाल अब धन्यवाद तो नहीं कहूंगा, मेरे से छोटी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमारे दोस्त सारे खुश हैं कि भाई ऐसे रिश्तेदार सबके होने चाहिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि रिश्तेदारी निभानी चाहिए हर इंसान को, हर अपने अपनी तरफ से। क्या कहते हैं आप बताइएगा। चलो तैयार हो जाओ, दर्शन करने चलना है ना। हैं? हाँ जल्दी तैयार हो जाओ। शेर ये, एक शेर ये सो रहा है। ए शेर उठेगा रात में 11 बजे तो आया है खेल करके गेम। हम लोग निकल रहे हैं बालाजी दर्शन करने के लिए, सारी मेहंदीपुर बालाजी नहीं, खाटू श्याम जी महाराज के पास चलेंगे। देखिए हमारी टीम आ गई है और देखिए हमारी ये गाड़ी खड़ी हुई है फॉर्चुनर, अभी हम इससे चलेंगे। हमारे ड्राइवर साहब आगे आगे चल रहे हैं।